मात्रा की करेंगे, क्योंकि जब तक आपको उ की मात्रा की अच्छे से प्रैक्टिस नहीं हो जाएगी, जब तक ये आपको क्लियर नहीं हो जाएगी, तब तक हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। पिछली कक्षा में हमने वर्णमाला के व्यंजनों के साथ उ की मात्रा लगाकर उनको बोलना व पढ़ना सीखा था। आप लोगों ने उन व्यंजनों को उ की मात्रा के साथ अपनी नोटबुक में लिखा भी होगा। तो आप लोगों को उ की मात्रा के साथ शब्दों को पढ़ना आ गया होगा और व्यंजनों के साथ उ की मात्रा लगानी भी आ गई होगी। आज हम एक बार फिर से उनमें से कुछ व्यंजनों के साथ उ की मात्रा लगाकर उनकी एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारे पास एक व्यंजन है ल। क्या है ल? कौन सा व्यंजन है ये ल? ल जमा उ, ये कौन सी मात्रा है? उ की मात्रा। कौन सी है उ की मात्रा? कौन से उ की मात्रा? छोटे उ की मात्रा। कौन से उ की मात्रा है? छोटे उ की मात्रा। अब ल है, ल के साथ छोटे उ की मात्रा है, तो क्या बन जाएगा ये? अब हम छोटे उ की मात्रा को ल के साथ जोड़ देते हैं। जब मात्रा को किसी अक्षर में जोड़ा जाता है तो उसमें उस मात्रा की आवाज भी आ जाती है। तो ऐसे ही ल में उ की मात्रा जोड़ेंगे तो उसमें उ की आवाज आ जाएगी और ये क्या बन जाएगा? लु। क्या बन जाएगा? लु। अब लु लिखते कैसे हैं? ल मात्रा कहाँ लगती है? किसी भी अक्षर के नीचे की तरफ। तो मैंने ल को नीचे उ की मात्रा लगा दी तो ये क्या बन गया? लु बन गया। अगला व्यंजन है हमारा सु। स उ की मात्रा, स और उ की मात्रा दोनों को एक साथ लिखा है। अब दोनों को क्या करना है? दोनों को जोड़ देना है। दोनों को जोड़ देने के बाद एक नया अक्षर बन जाएगा, क्योंकि स में उ की आवाज भी आ जाएगी। तो स क्या बन जाएगा? सु बन जाएगा। देखिए कैसे लिखते हैं। स, स के पैर में छोटे उ की मात्रा, तो ये क्या बन गया? सु। क्या बन गया? सु। अगला देखिए, ब छोटे उ की मात्रा, ब और छोटे उ की मात्रा, इन दोनों को क्या करना है हमें? इन दोनों को आपस में जोड़ना है और जोड़कर एक शब्द बनाना है जिससे कि एक नया साउंड प्रोड्यूस हो। तो ब के साथ उ की मात्रा लगाएंगे तो ये किस तरह लिखा जाएगा? ब, ब को छोटा उ, क्या बन गया? बु। क्या बन गया? बु। इसी तरह से किसी भी व्यंजन के साथ अगर हम उ की मात्रा जोड़ेंगे तो उसमें उ की आवाज आ जाएगी। इसी तरह से लगती है मात्रा अक्षरों में। अक्षरों में हमने उ की मात्रा जोड़ी तो अक्षरों का साउंड चेंज हो गया। तो अक्षरों से ही क्या बनता है? अक्षरों के मेल से, अक्षरों के जोड़ से ही शब्द बनते हैं। अगर आपको छोटे उ की मात्रा के साथ अक्षरों को जोड़ना आ गया है या मात्रा के साथ शब्दों को पढ़ना आ गया है तो आप लोग शब्द भी आसानी से बना सकते हैं।
अब हमने इन अक्षरों को मात्राओं के साथ पढ़ा भी है, आपने लिखा भी है और आप लोगों को आ भी गया होगा। तो जब हमें अक्षरों को उ की मात्रा के साथ पढ़ना आ गया है, तो अब हम क्या सीखते हैं? अब हम सीखते हैं कि उ की मात्रा के साथ शब्दों को किस तरह बनाया जाता है। देखिए, पहला शब्द है हमारा ये। इनको अलग अलग करके लिख दिया है, आप लोग इनको जोड़कर पढ़िए और देखिए इससे क्या अक्षर बनेगा, क्या शब्द बनेगा। ये अलग अलग अक्षर हैं, इनको जोड़िए, मात्रा को भी जोड़िए और देखिए कौन सा शब्द बनेगा। सबसे पहले ये देखिए कि पहला अक्षर क्या है हमारा, क्या है? प। प के बाद उ की मात्रा लगी है, तो यानी जिस अक्षर के पीछे ये उ की मात्रा लगी है या कोई भी मात्रा लगी है, तो मात्रा उस अक्षर में जुड़ जाती है। तो अब उ की मात्रा प से बाद में है, तो यानी कि मात्रा किस में जुड़ेगी? प में। प में उ की मात्रा लग जाएगी तो ये क्या बन जाएगा? पु। क्या बन जाएगा? पु। अब क्या जोड़ेंगे हम? ल। तो हमने इन तीनों को अलग अलग जोड़कर एक इकट्ठा करके शब्द बना दिया। अब वो शब्द क्या बना? वो शब्द बना पुल। क्या बन गया? पुल। तो इसी तरह से जोड़कर हम कोई भी शब्द बना सकते हैं, लेकिन शब्द का कोई मीनिंग होना चाहिए तो ही वो शब्द बनता है। अगर आप मात्रा किसी उल्टी जगह लगा देंगे, किसी और अक्षर को लगा देंगे, तो वो गलत शब्द बन जाएगा। हमें ध्यान रखना होता है कि मात्रा किस अक्षर को लगनी है और किस अक्षर को लगने के बाद वो एक ऐसा शब्द बनेगा जिसका कि कोई अर्थ होता है। चलिए अब हम देखते हैं अगला शब्द। चलिए रीड कीजिए इस शब्द को। पहला अक्षर है हमारा च। च के बाद क्या है? उ की मात्रा। उसके बाद क्या है? न। तो मात्रा किसके बाद लगी है? च के बाद। तो जुड़ेगी किस में? च में। तो च में उ की मात्रा जुड़ने से क्या बन जाएगा? चु। क्या बन जाएगा? चु। उसके बाद है न। तो पहले हम च में उ की मात्रा जोड़कर इसको लिखते हैं। च में उ की मात्रा जुड़ जाएगी तो ये क्या बन जाएगा? चु। अब हम क्या जोड़ेंगे इसमें? न। क्या बन गया? चु। न चुन। क्या बन गया? चु। न चुन। इसी तरह से आपको सारे शब्द जोड़कर उनको रीड भी करना है। अब देखते हैं हम हमारा अगला शब्द, देखते हैं आप लोगों से पढ़ा जाएगा या नहीं। साथ साथ रीड कीजिए जो भी मैम लिख रहे हैं। चलिए रीड करना स्टार्ट कीजिए। क्या लिखा हुआ है? ये क्या है? ख। क्या है? ख। ख के बाद क्या है? छोटे उ की मात्रा। क्या है? छोटे उ की मात्रा। उसके बाद है श। श। श के बाद है, ये कौन सी मात्रा है? बड़ी ई की मात्रा। कौन सी मात्रा है? बड़ी ई की मात्रा। तो ख के बाद ये कौन सी मात्रा लगी है?
मात्रा। कौन सी मात्रा है? छोटे ऊ की। तो ख में हम छोटे ऊ की मात्रा जोड़ेंगे तो वो क्या बन जाएगा, बताइए? ख में छोटे ऊ की मात्रा जोड़ने से वो बन जाएगा खू। क्या बन जाएगा? खू। खू बन गया। अब है हमारा अगला अक्षर श। श के बाद भी एक मात्रा है, तो मात्रा किस में जुड़ेगी? श में। श में हमने ये बड़ी ई की मात्रा लगानी है, तो उसमें कौन सी आवाज आ जाएगी? ई की। तो श क्या बन जाएगा? शी। क्या बन गया? खू। शी खुशी। शी खुशी। तो अब आपको ये भी देखना है कि इसमें कौन कौन सी मात्राएं आई हुई हैं। एक अक्षर को कभी भी दो मात्राएं एक साथ नहीं लगती। ख को उ की मात्रा लगी है और श को ई की मात्रा लगी है, लेकिन श से पहले उ की मात्रा है, श के बाद ई की मात्रा है, तो श को उ और ई कभी भी इकट्ठा नहीं लगता। एक अक्षर को एक ही मात्रा लगती है। तो चलिए अब देखते हैं हमारा अगला शब्द। कीजिए क। यस, क के बाद है कौन सी मात्रा है? ये छोटे ऊ की मात्रा। कौन सी मात्रा है? छोटे ऊ की मात्रा। आगे है ल। ल के बाद क्या है? बड़ी ई की मात्रा। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं क। क के बाद है हमारी छोटे ऊ की मात्रा, तो क में कौन सी मात्रा जुड़ेगी? ऊ की। क्या बन जाएगा? क कु। क क्या बन गया? कु बन गया। अब आगे क्या है? ल। ल के बाद कौन सी मात्रा है? ई, बड़ी ई। तो ल में ई जुड़ गई तो वो क्या बन जाएगा? ली। कु ली। क्या बन गया जोड़कर शब्द? कुली। क्या बन गया? कुली। कुली के बाद हमारा जो अगला शब्द है वो है तीन अक्षरों का। कितने अक्षरों का? तीन अक्षरों का। अब तक हमने दो अक्षरों को उनकी मात्राओं के साथ जोड़ा था और जोड़कर क्या बनाया? शब्द बनाया। अब हम तीन अक्षरों को एक साथ जोड़ेंगे। देखिए कैसे जोड़ते हैं। तो किसी भी शब्द को बनाने से पहले उसको सबसे पहले रीड करना जरूरी होता है कि उसमें कहां और कौन सी मात्रा की आवाज आ रही है। तो चलिए रीड करते हैं। पहले है ग। क्या है? ग। ग गमला। उसके बाद है छोटे ऊ की मात्रा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसको और इसको जोड़ेंगे। ग को और छोटे ऊ की मात्रा को हमने जोड़ दिया तो ये क्या बन गया? गु। क्या बन गया? गु। तो सबसे पहले हम इसको जोड़कर लिखते हैं ताकि आपको ज्यादा टाइम ना लगे और आपको जल्दी से समझ भी आ जाए। ग। ग को छोटा ऊ, गु। अगला अक्षर देखेंगे। अगला है ल। ल के बाद है ये क्या है? आ। आ की मात्रा। तो ल के बाद आ की मात्रा है तो किस में जुड़ेगी? ल में जुड़ेगी। ल में आ की मात्रा, ल आ ला। ल आ। ल आ जोड़कर हमने यहाँ लिख दिया ला। गु ला। अब हमारा ये क्या बचा? ब। ब के बाद कोई मात्रा है?
नहीं, ब अकेला है, तो हम ब को ऐसे ही इसमें जोड़ देंगे। उ ला ब, गु ला ब, क्या बन गया? गुलाब। तो ये कितने अक्षर हो गए? गु ला ब गुलाब। तीन अक्षरों को जोड़कर एक शब्द बन गया। कौन सा शब्द बन गया? गुलाब। आगे है ग, ग के बाद है उ की मात्रा, तो ग उ गु। ल, ल के बाद है आ की मात्रा, ल आ ला, गु ला। आगे है ब, तो क्या बन गया जोड़कर? गुलाब। क्या बन गया? गुलाब। चलिए इन शब्दों को एक बार हम फिर से अच्छे से रीड करते हैं। पको उ पू, ल पुल, क्या बन जाएगा? पुल। अब है च, च के बाद उ की मात्रा, चु न चुन। ख, ख के बाद उ की मात्रा, खु। श, श के बाद ई की मात्रा, शी, क्या बन गया? खुशी। क, क के साथ है छोटे उ की मात्रा, क्या बनेगा? कु। ल, ल के बाद है बड़ी ई की मात्रा, कु ली कुली, क्या बन जाएगा? कुली। बच्चों इस तरह से बनते हैं किसी भी मात्रा से शब्द। किसी भी मात्रा के अक्षरों को जब एक साथ जोड़ा जाता है तो वो एक नया शब्द बन जाता है। अब आप लोग अपनी नोटबुक में अलग अलग अक्षरों को उ की मात्रा के साथ जोड़कर शब्द बनाइए। इन शब्दों को पढ़िए और अलग अलग अक्षरों से शब्द बनाना सीखिए। जब तक आप इन शब्दों को रीड नहीं करेंगे या इनकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप लोगों को उ की मात्रा क्लियर नहीं होगी। तो इन शब्दों को नोटबुक में लिखिए और इनकी प्रैक्टिस कीजिए। तो अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। तब तक बाय बाय।